आज का वचन हम देखेंगे, हम निकालेंगे। यूहन्ना अध्याय 14, यूहन्ना अध्याय 14 और उसका 25 वचन। यूहन अध्याय 14 अध्याय 14 उसका 25 से लेकर 31 तक, 25 से 31। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए इस कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न डरे। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते हो कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ बहुत बातें न करूंगा क्योंकि संसार का सदा आता है पर मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम करता हूँ और रखता हूँ, जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले। मी तुमच्या बरोबर असताना या सर्व गोष्टी तुम्हाला सांगत आहे, परंतु पिता माझा प्रतिनिधी म्हणून कैवारी पाठवेल, कैवारी म्हणजे पवित्र आत्मा, तो आला की तुम्हाला सर्व काही शिकवेल आणि मी तुम्हाला जे सारे सांगितले त्यातील प्रत्येक गोष्टीची तुम्हाला आठवण करून देईल। मी तुम्हाला आणखी एक देणगी देऊन तुमचा निरोप घेणार आहे, ती देणगी म्हणजे मनाची व हृदयाची शांती। जी शांती मी तुम्हाला देत आहे ती जग शांती जग देते त्या शांतीप्रमाणे नकली व क्षणभंगूर नाही, म्हणून तुम्ही अस्वस्थ होऊ नका अथवा भिऊ नका। मी तुम्हाला सांगितले ते सारे स्मरणात ठेवा, मी जात आहे परंतु मी तुमच्याकडे पुन्हा परत येईन। मजव तुमची प्रीती असली तर मी पित्याकडे जातो म्हणून तुम्हाला आनंद वाटला असता, कारण माझा पिता माझ्यापेक्षा थोर आहे। या सर्व गोष्टी त्या घडून येण्यापूर्वीच मी तुम्हाला सांगितल्या आहेत, यासाठी की त्या घडून येतील तेव्हा तुम्ही मजवर विश्वास ठेवावा। आता तुमच्याशी अधिक बोलण्यास माझ्या पाशी वेळ नाही, कारण या जगाचा दृष्ट अधिपती येत आहे, त्याची मजवर कसलीही सत्ता नाही, परंतु मी पित्यावर प्रीती करतो आणि पित्याने जसे मला आज्ञा केली तसं करतो, हे जगाने ओळखावे याचे अगत्य आहे। आता उठा आपण इथून जाऊ। जो हम सुनते वही हम पालन करने के लिए सहायता करना। मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र प्रभु दया रखना प्रभु, ये मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद देते यीशु के नाम से। आमीन। मी तुम्हा बरोबर असताना या सर्व गोष्टी तुम्हाला सांगत आहे। प्रभु जब इस पृथ्वी पर थे उस समय उसने बहुत सारी बातें उसके शिष्यों के साथ कही और वही सारी बातें जो और उसके शिष्यों से कही वो आज हमें पवित्र शास्त्र के द्वारा मालूम पड़ी है। और जैसे हम पवित्र शास्त्र पढ़ते गए हमें बहुतायत बातें यीशु क्या चाहता है कि हमें पवित्र शास्त्र से मालूम है। कुछ बातें इस वेदी से जब आप रविवार को आते हो, सोमवार के अवचर्ष में आते हो या बुधवार या शुक्रवार के अवचर्ष में आते हो, उपवास प्रार्थना में आते हो, तभी भी आपने बहुत सारी बातें जो प्रभु ने आपसे कही है वो सिखाई। परंतु पिता माझा प्रतिनिधि म्हणून कई बार पाठवे। हाँ, प्रभु कहता है इस साल का पहला रविवार है। प्रभु आपको कहता है इस साल से प्रभु आप में थोड़ा सा डिफरेंस क्या करेगा। प्रभु परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य और भी उसने भेजा है, लेकिन आप पर अभी बल से रहेगा। कैवारी म्हणजे पवित्र आत्मा, तो आला की तुम्हाला सर्व काही शिकवेल। हाँ, जो बातें आपने पढ़ी है बाइबल से वो आपको स्मरण दिलाएगा, जो बातें आपने इस वेदी से सुनी है वो आपको याद दिलाएगा,
ये साल में आप ऐसा नहीं करोगे, मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं है, मुझे ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का आत्मा का सबसे पहला जो काम परमेश्वर का आत्मा आपके साथ क्या करेगा मालूम, देवाच आत्मा का काम करे वो आपको परमेश्वर की बातें स्मरण दे, तुम्हारा देवाच गोष्टी आठवण करून दे, जो बातें मेन आप भूल जाते आज ज्या गोष्टी मेन तुम्ही विसर, प्रार्थना करना भूलते, प्रार्थना करना विसर, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्रार्थना करवाए, देवाच आत्मा प्रार्थना करून, परमेश्वर का आत्मा आपसे चर्च में आना, देवाच आत्मा चर्च मध्ये येणे, प्रभु के साथ प्रार्थना करना, प्रभु रो प्रार्थना करना, क्षमा करना, क्षमा करना, दया करना, दया करना, ये सब परमेश्वर का आत्मा आपसे करवाए, या सर्व देवाच आत्मा तुमच्या आत्मा करून, तुम्ही देखोगे 2018 तक लाइफ आपका कैसा था और 19 से आपका लाइफ परमेश्वर के आत्मा की हमारे पास परमेश्वर का आत्मा रहने के कारण आपल्यामध्ये देवाचा आत्मा असल्यामुळे हमें तकलीफ नहीं देगा, आपल्याला त्रास हानी नहीं करेगा, आपल्याला नुकसान नहीं, कोई रुकावट नहीं करेगा, आपल्याला काही त्रास नहीं देणार, आपको समझ में आया कळलं, इसीलिए इस साल के आरंभ में परमेश्वर आपको आत्मा दे रहा है, अनुवर्षाच्या आरंभात देव तुम्हाला आत्मा दे रहा है, आत्मा आपके जीवन में, तो आत्मा तुमच्या जीवनात और एक सबसे बड़ा काम करेगा, सगळ्यात मोठं काम करेल, काम कौन सा है, ते काम को जो आगे का वचन देखा आणि पुढचं वचन जो मोस्टली हमारे बीच में हो नहीं है आणि आपल्यामध्ये ते नाही आहे, आणि मी तुम्हाला जे सारे सांगितले त्यातील प्रत्येक गोष्टीची तुम्हाला साठवण करून दे, मी तुम्हाला आणखी एक देणगी देऊन तुमचा निरोप घेणार आहे, ओके, तर मी तुम्हें गिफ्ट देता, अरे हमको गिफ्ट अच्छा लगता है ना, सही बात है, देखो बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, बच्चे बर्थडे क्यों मनाते हैं, कोई वस्तु में नहीं, कोणत्याच वस्तु, तो फिर वो गिफ्ट क्या है, मते गिफ्ट काय, ती देणगी म्हणजे मनाची व हृदयाची शांती, प्रभु आपके हृदय और मन की शांति आपको दे रहा है, प्रभु आपको क्या दे रहा है, शांति, शांति यानी सब कुछ जिसमें आपका मन और आपका हृदय हमेशा शांत रहेगा, अस्वस्थ नहीं रहेगा, आपके जीवन में चल रही कोई परिस्थिति के कारण आप व्याकुल नहीं होंगे, आपका मन डरेगा नहीं, क्या होगा, क्योंकि जब डर आता है तब शांति नहीं रहती, जब भीति रहती है तब शांति नहीं, जब शांति रहती है जब शांति है तब डर नहीं रहता, तब भीति नहीं, आप क्या बोलते हो, मैं क्या बोलता, मेरा प्रभु है, वासा प्रभु है ना, परीक्षाओं या कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कराए जिसके कारण हमारे प्रभु ने हमको जो शांति दी वो चोरी कर सकते, परीक्षा ने अशा परिस्थिति उद्भव है की देवांनी जी शांति दी ती चोरी करावी, हाँ, क्योंकि शैतान तो चोर है, शैतान तो चोर है, उसकी तो इच्छा ही रहती कि हमारे सारे आशीष वो चोरी करे, जैसे इच्छा असते आपला सगळा आशीर्वाद त्याने चोरी करा, उसकी इच्छा ही रहती, तिने जी इच्छा असते, इतना अच्छा रीति से चैप्टर है ना, इतना अच्छा रीति से चोरी करता है कि आपको और मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि उसने हमारी चोरी की, आप तो एवढा चांगल्या प्रकारे चोरी करतो की आपल्याला तुम्हाला नाही मला कळतच नाही त्याने चोरी केली, आप जो झगडा करते हो मी भांडता तब आपकी शांती चोरी की, शांती चोरी की, आशीष चोरी की, आशीर्वाद चोरी की, जब आप आज्ञा उल्लंघन करते हो, आज्ञा उल्लंघन करता है, आशीष जो आपके जीवन में दी रहती है आज्ञा पालन की वो सारी वो चोरी करता है, आज्ञा पालन जो आशीर्वाद दिलेला असतो तो चोरी करतो, आपको शापित कर देता है, मला शापित करतो, आपको समझ में आ रहा है, मला कळत है, शैतान बहुत चाट है, आणि शैतान खूप चाटर है, उसने क्या किया, त्याने काय केलं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कराता, अशा परिस्थिती उत्पन्न करतो, उसमें हम परमेश्वर के अगेंस्ट गए, जैसे आपण देवाच्या विरुद्ध गेलो, उसी में वो क्या करता है, त्याच्यातच तो काय करतो, हमारी जीवन में येशु ने दी हुई आशीष को चोरी करता, आपल्या जीवनात येशु ने दिलेला आशीर्वाद तो चोरी करतो, मी आपको एक उदाहरण बताते, उदाहरण सांगते, सोचो एक बड़ा घर है, आणि मोठं घर है, और उसको आग लगे, आंतरा आग लगे, और उस घर के आजू बाजू में, आंतरा घर के आजू बाजू ना केले लगे हुए हैं, केले लगे हुए, सोचो इधर भी केला है, आणि ते बघ, जो चोर रहता है वो क्या करता है, चोर असतो तो काय करतो, जब देखते हैं सब लोग आग बुझाने के इसमें बिजी है, आणि सर्वजण आग विझवत आहेत, उस समय वो क्या करता है, तो काय करतो, छुट्टी से जाके केला तोड़ता है, आमच्या लोकांनी जाऊन केलं का, घर मालिक को समजता भी नहीं किसने तोड़ा, आणि घर मालकाला कळत पण बड़ी भीड़ रहती है, मोठी गर्दी असते, आग बुझाने के लिए बहुत जन होते हैं, आणि आग विझवण्यासाठी खूप जण असतात, म्हणून खुद भी सोचते घर मालिक बोलता है अरे मेरा केला का घर किसने तोड़ दिया, माझ्या केळ्याचं घर कोणी तोड़ सब बोलते हाँ घर मैं तो नहीं गया, मैं भी नहीं गया, हम तो आग बुझाने में बिजी थे, आम्ही तो आग विझवण्या मध्ये व्यस्त होतो, हमको तो मालूम ही नहीं आप केला किस काल के लेके गए, आणि कधी केळ काढून गेले, अक्सर शैतान भी ऐसा ही करता है, अक्सर शैतान पण असंच करतो, हमारे घरों में ऐसा आग लगा देता है, आपल्या घरात असं आग लावतो, उस आग में एक तो
पिटने के लिए जलाने के लिए बिजी कर देता है, अध्याय जाने वाले कुछ लोग रहेंगे उसमें वो बिजी व्यस्त कर देगा, आदि बिजी ना व्यस्त कैसा व्यस्त करेगा, और हमारी आशीष जो हमारी शांति है वो चोरी करता है, यानी आपके जो आशीर्वाद जो शांति है की चोरी करता हूँ, इसलिए वो चोर है, हम तो चोर है, हमारा चोरी हो गया हमको मालूम है, यानी आपका चोरी जरा आपने नहीं दी क्यों हमें मालूम नहीं पड़ता, आपने नहीं दी पड़ता है हमारी जो प्रभु की दी हुई आशीष चोरी हो गई, अंतरुण के लिए आशीर्वाद चोरी जाता है, प्रभु की दी हुई शांति चोरी, प्रभु की दी शांति चोरी, प्रभु का दिया हुआ जो जीवन है वो चोरी हो गया, प्रभु की दी जो जीवन है वो चोरी हो गया, धन चोरी हो गया, प्रभु की दी धन चोरी जाना है, हमें मालूम क्यों नहीं पड़ता, आपने नहीं दी पड़ता है, मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन का साधन है, वही
मनोरंजन खत्म, मनोरंजन परिस्थिती होईल, परिस्थिती तीच. लेकिन प्रभु क्या कहता है, प्रभु क्या म्हणतो, त्या शांती प्रमाणे नकली व क्षणभंगुर अशी ती नाही. मैं जो तुम्हें शांति देता वो नकली, जैसे संसार देता है वो नकली यानी फंसाने वाली शांति है, और क्षणभंगुर यानी थोड़े समय के बाद मिट जाने वाली है, ऐसी शांति नहीं देता हूँ. म्हणून तुम्ही अस्वस्थ होऊ नका. हाँ, आप अस्वस्थ मत होना, आपका मन व्याकुल नहीं करना. मैंने जो तुम्हें शांति दी है वो शांति क्या करेगी, तुम्हें सारी परिस्थितियों पर जय पाने के लिए मदद करेगी. आज हम प्रभु पर शांति भरोसा रखने के कारण वो शांति हमें क्या करती है, हमें प्रभु पर भरोसा रखने के लिए मदद करती है. इसलिए हमारी परिस्थितियां बदल गई. हम कहीं ना कहीं जब हमारे जीवन में कुछ होता है, अरे है ना प्रभु, चलेगा मेरा प्रभु अच्छा करेगा, वो सचमुच क्या हो जाता है, वो शांति ने हमारा बुराई अच्छाई में बदल जाता है, शांति ने वाइट सामने में परिवर्तित किया. आपको समझा, बीमार व्यक्ति प्रभु में शांत से रहता है और प्रभु को बोलता है माझा विश्वास है देवा, मेरा विश्वास है प्रभु, तू मुझे चंगाई देगा, माझा विश्वास, मेरा विश्वास है. बस देव देव त्या शांति ने प्रभु शांति देला, आरोग्य देतो, उसको चंगाई देता है. मग देवाची शांती चांगली आहे ना, जे माणसाचं आयुष्य आणि त्याची परिस्थिती बदलते, जो मनुष्याची जिंदगी आणि परिस्थिती को बदलते, तुम्हाला कळायला आता. म्हणून प्रभू ख्रिस्ताने त्याच्या शिष्यांना आणि आपल्याला पण आज तो काय देत आहे, शांती देत, आज मी शांती देत आहे. म्हणून जेव्हा येशू जिवंत झाला, जेव्हा येशू जिवंत होता, जेव्हा तो त्याच्या शिष्यांवर दिसला, जेव्हा येशू को प्रकट झाला, सर्वात पहिले काय म्हणाला, आज सबसे पहले क्या कहा, तुम्हें शांती मिले. यहोवा के अध्याय में आप पढ़ सकते हो, उसी अध्याय में दस अध्याय वाचू शकता है, जॉन चैप्टर 20 यूहन्ना 20 और उसका 21 दस 21 यूहन्ना अध्याय 20 यूहन्ना 20 और उसका 21 दस 21 पुनः यीशु त्यांना म्हणाला, तुम्हा शांती असो, जसे पित्याने मला पाठवले आहे तसे मी तुम्हाला पाठवत आहे. हालेलुया, तुम्हें शांती मिले. जी उठने के बाद भी उसने सबसे पहला उसने उसके शिष्यों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाकर क्या कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा शांति मिले. मालूम हुआ क्यों, क्योंकि उसने संसार को जीत लिया, कारण देने वाला जीत लिया. 16 अध्याय, अध्याय 16 उसका 33 जॉन चैप्टर 16 16 अध्याय उसका 33 33 मी या सर्व गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या ते यासाठी की तुमच्या अंतकरणात व हृदयात शांती असो. हा, प्रभू ने हमें ये सब बातें आज शांति की बातें क्यों कही, क्योंकि हमारे हृदय में और हमारे मन में प्रभु यीशु की शांति रहे. क्यों शांति रहे, क्योंकि अब यीशु कहा गया है और हम कहा है, पृथ्वी पर. तो संसार कैसे है, संसार परमेश्वर ने बनाया हुआ अच्छा है, लेकिन पाप बढ़ गया है. पाप बढ़ता है, बढ़ने के कारण हमें उन संसार के लोगों को देखकर, संसार के मनुष्य का स्वभाव देखकर हम विचलित नहीं हो, इसीलिए प्रभु कहता है यदि आप पृथ्वी पर तुम्हास अनेक क्लेश व दुख का सहन करावे लगते. अगर पृथ्वी पर तुम्हें दुख और कष्ट और दर्द उठाना भी पड़ा, परंतु धीर धरना कारण में जगह पर विजय मिलना. मैंने संसार को क्या किया है, कोई भी संसार की विपत्ति, संसार का कोई भी कष्ट, संसार का कोई भी क्लेश आपके ऊपर हावी नहीं होगा. आप उसमें डूब गए हो, नाश हो गए हो, नाश जाने ऐसा नहीं. आपको समझा, तुम्हारा पढ़ा संसार में कितना भी दुख, अभी जैसे देखो संसार में इतने बलात्कार होने पर जगह जगह बलात्कार चल रहे, हम हमारे मन में भी कभी कभी ऐसा विचार आता है, हमारी लड़कियां तो फिर अंदर से एक आवाज क्या आता है, आत्मिक आवाज क्या है, तो मैं हूँ क्या है, मेरी बेटियों का वो तेरी बात में मेरी पहली बेटी है, अरे पैदा ने मजा मुझे मेरी बेटियों का थोड़ी बलात्कार, आज मुझे मैं तेरी बलात्कार नहीं, जो गुंडागिरी हम ज्यादा सुनते हैं, गुंडागिरी, अरे जो गुंडागिरी से एक तो मर्डर हुआ, मर्डर से इधर भी है, तो प्रभु का वो वचन अंदर से अस्वस्थ होता है, वो पाप वाले अर्थ पाप पड़े, धमकिया दिया जाता है, धमकिया दिया जाता है, हम क्या सोचते, अपन क्या विचारते, आतंकवादी लोग गला कापतात उस समय मेरे पास मेरे मन में तो ऐसा हुआ था, प्रभु किती आतंकवादी वाढले, आतंकवादी नको, किती वाईट रीतीने निर्गुण हत्या करतात, अगुण रीतीने हत्या करते, प्रभू मला हे सांगितलं, प्रभू यही का, जो माझा खरा विश्वासी आहे त्याच्या प्राणाचं पण मी रक्षण करणारा देव आहे, और जो मेरा विश्वासी उसकी प्राण की रक्षा करने वाला मी का घाबरतेस, तू डरते, तुला माझी शांती आहे, आज मेरी शांती आहे.
ये शांति कितनी छान है, मालूम है ये शांति कितनी अच्छी है। ये शांति आज यह वर्षा जो पहला आरंभ देव तुम्हारा देव और वो शांति इस साल के आरंभ में प्रभाव कर तुम यहाँ पर सब भंडो ने क्यों क्योंकि आप आपस में चार पाप से तुम्ही मतभेद करो ने और आपस में आप मतभेद नहीं करो एक मेकांशी भांडना तो वेर घर और आप झगड़ा करने में आप समय नहीं देते शांति में रहो शांति से रहे ही सेवा चीज है हे प्रभु आप कितने दिवस रहेंगे और कितना समय रहेंगे अरे यीशु लोग कर येणार और यीशु जल्दी आएगा लोग कर येची वेळ जवळ जल्दी आने का समय आहे कुठे वेळ घालून बसायचा झगडे में कहां समय बिताना भेटणार म्हणून देवाची इच्छा काय तुम्ही भांडण करण्यापेक्षा देवाने दिलेल्या शांतीचा वापर करून एकमेकांबरोबर शांतीने प्रभु देव शांती का इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ शांति से करून काय मिळणार आहे आज झगडा करण्या माणसाला तुम्ही गमवाल व्यक्ति को आपकी माणूस पण तुम्ही दूर जाल तुम्ही पण त्यांच्या प्रभु की इच्छा है कि आप झगड़े से भी अच्छी शांति ने एक दूसरे के साथ शांति से जब सारे लोग एक दूसरे को मिलते थे स्वतः कैसे अभिवादन करे तो वो कैसे अभिवादन करे थे तुम्हें शांति मिले तुम्हारा शांति भेटो अशा रीतीने ते अभिवादन करायचे और इस प्रकार से वो अभिवादन करते थे त्याचा अर्थ आहे माझं तुझ्यावर काही भांडण नाही जे काही तुझं माझं होतं ते गेलं मिटलं आजपासून सगळं नवीन और जो कुछ तेरा मेरा था मिट गया आज से सब कुछ नया देव काय करतो देवाची इच्छा काय जुन्या गोष्टीला पकडून माणसाने कुरडत 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 जसं तू उंदीर कसा कुरडून 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 उंदीर कुरडतो ना आणि कपड्यांची हाल कशी करतो जमिनीची हाल कशी करतो वेळ कसा करतो मग देवाची इच्छा नाही की तुम्ही मंदिर व्हाल प्रभू की इच्छा नाही की आप चूना बनो आपण कोण आहोत आप कोण आहे देवाची लेकर आहे प्रभू की बच्चे शक्ती आहे हमारे पास शक्ती सामर्थ्य सामर्थ्य आपण उंदरासारखं पूर्ण जुने मुशी पूर्ण नाही बसावं अचूक की तसे नाही आपण काय करावं आणि काय देवाने जे म्हटलंय तू नवीन उत्पत्ती आहे प्रभूने जो कहा की तू नई सृष्टी हो नवीन सृष्टी आहे तू नई सृष्टी हो जुने मुशी होऊन गेले ते बाकी काय अपराधी वादी हो गई पीछे डाल दो नवीन गोष्टीकडे मन लाव आणि नई बातों की ओर मन लगा तो तुझ्यासाठी तो माणूस ही नवीन होईल और तेरे लिए वो मनुष्य भी नया हो जाएगा माणूस नवीन का होत नाही और मनुष्य नया क्यों नहीं होता कारण आपणच नवीन आहे की हम नए नहीं हुए जर हिचं माझं कटकले अरे सर मेरा कटक गया जर मी हिला शांतीने अभिवादन करते और मी इसको शांति से अभिवादन करते सबमिट करते और शांति से सबमिट करते तो काय होईल तो क्या होगा ऑटोमेटिकली पण बदलेल ना और ये भी चेंज होईल जर मीच बदलले नाही मी चेंज नाही होईल मीच ती कुरडत बसले अभि उसे निकाल दे तो काय होईल तो क्या होगा इच्छा तर माझ्यात शांति होईल और इसमें कुछ भी शांति होईल तो चेंज होगी क्या असं अक्सर पति पत्नी मध्ये पण हेच प्रॉब्लम ऐसे पति पत्नी में भी यही समस्या है जुने गोष्टी पकडून ठेवतात और जुने मध्ये पकड के बैठे कधी कधी विचार करते 10 वर्षाच्या पण जुने जुने गोष्टी काही काढतात की तो शॉक होते भाकरे 10 वर्षाच्या गोष्टी और 10 साल की बातें मला तर काल काय खाल्लेलं आठवत नाही मला 10 वर्षाच्या गोष्टी मटन खाल्लेलं मटन खाता खाता पण मटनाचा हळू त्याच्या दातात अटकला तर त्याने मला शिवी घातली कसं मटन शिवलं एवढं लक्षात आहे तुम्हाला परत याद नाही आपको त्या हाडकाने तुमचा दात खराब केला म्हणून कसंडी काय केलं तू काय केस हे माणसं किती जुने जुने गोष्टी आठवण ठेवतो मनुष्य किती जुनी जुनी बात को याद ठेवतो मी तुझं सर्व काही जुनं माझ्या पाठीवर टाकलं प्रभू येते तेरा जो कुछ जुने उसके लिए पीछे डाल दिए जो देव आपल्या आपली पाप आपले अपराध सगळे पाठीवर टाकले मग आपण का दुसऱ्यांची सगळं काल झालेली गोष्ट त्याला कुरडत बसायचं और त्याने ही बात म्हणून क्यों निकालते आज जे आहे आज जो हे काय नाही की उद्या तुम्हाला आहे का नाही मालूम नाही कधी येईल नाही म्हणून देव काय म्हणाला उद्याची चिंता करू नका आज दिवस काफी आहे और त्या तुम्ही चिंता मत करू आज का तुम्ही आहात का आप कधी आहे का नाही माहिती नाही ना मालूम नाही है ना मग आज तो देवाने दिलेले आहे त्यांच्याबरोबर काय करायचं आज प्रभूने जो नियम भांडण करून तो दिवस आणखी लोक आपल्यापासून दूर करायचे झगडा करके वो लोगों को हमसे दूर करना है क्या नाही तर मग काय होईल माहिती आपल्या बहिणीला मध्ये बदल आहे त्याचा अवसर आहे लय मला त्रास दिली बाबा तू ये मला हैरान करून टाकलं बरं झालं गेला बरं झाली एवढं शिकली नुसतं मला हैरान केलं गेली दिली दिली गे एवढा पावखा जर
पुढच्या रविवारी भेटतो, अगदी रविवार को मिळते. कशाला ह्या सगळ्या जुने गोष्टी किंवा भांडण करत बसून आपण पूर्णत बसायचं किंवा आपल्याला काय काय भेटत नाही. आज देवाची हीच इच्छा आहे, प्रभूची इच्छा आहे, आपण काय करावं, क्या करे, एकमेकांबरोबर शांतीने राहा, एक दुसऱ्याच्या साथ शांती से आपल्याला शांती दिली, प्रभूने आपको शांती दिली. प्रियानो देवाची इच्छा आहे की तुम एक दुसरे से शांती से राहू, प्रभूची इच्छा आहे तुम्ही एकमेकांबरोबर शांतीने राहू, एक दुसरे से क्या रहो, एकमेकांबरोबर काय राहू, शांती से शांती राहू, हे प्रभूची इच्छा आहे, प्रभूची इच्छा आहे, क्या रहे, काय राहू. तो जब आप अभिवादन करोगे, जब तुम्हें अभिवादन करा, अभी मैं आपसे करवाऊंगी, आता मैं तुमसे मना करूंगी, आपको कैसे करना है, तुम्हारा कैसा करना है, आप जहाँ खड़े हो तुम्हें जी तो कहा था, तो आपके जो यहाँ राइट साइड में अभी चोर बिगड़े तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा शांति बैठो, तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा शांति बैठो, आगे जो रहेगा तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा शांति बैठो, तुम्हें शांति, तुम्हारा शांति बैठो, ऐसे चारों बाजू में बोलो, ऐसे चारों जो आपके बाजू में जो तुम सवाल करना है, इसका अर्थ है मेरी शांति हमेशा तुम्हारे साथ, शांति दी तुम जो कर बनाने आप पहचानते हो क्या एक दूसरे को, तुम्हें ओळखते हैं एकमेकांना, तुमच्या बाजूला बसलेला कोण आहे, देखे देखो आपली बाजू बघा, शांत करो, तुझ्या बाजूला बसलेला कोण आहे, एक
जो लोग अकेले हैं उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोसियों का हाथ पकड़ा है। तेरा पति आया है,